जी की जो छठी वाले दिन ना, या जैसे बच्चों की भी अगर हमारा छठी होती है ना, तो हमारे कढ़ी चावल ही बनते हैं और कुछ नहीं बनता है। तो मैं इसलिए मैं कढ़ी चावल बना रही हूँ। तो मैं सबसे पहले कढ़ी बनाती हूँ। तो ये मैंने मट्ठा लिया है और मैंने अलग कटोरी में ना थोड़ा सा मट्ठा निकाल लिया था, उसमें मैं बेसन अलग घोलती हूँ, नहीं तो फिर पता है सारे में घुलता है ना तो ठीक नहीं घुलता। तो मैं इस तरह से करती हूँ, उस पर सब लोग का अलग रहता है, बट मैं इसी तरह से करती हूँ, अलग घोल लेती हूँ। उसमें मैंने सिर्फ नमक डाला है और हल्दी डाली है और बस इसको मैं ऐसे करके घोल दिया ना अच्छे से, फिर उसे हम पूरे मट्ठे में जाके मैं इसको मिक्स कर दूँगी। तो बस ऐसे मिक्स हो जाएगा और बस अच्छे से इसको जब चला देंगे तो पानी तो देखो थोड़ा बहुत डलेगा ही। तो उसमें मैंने करीबन 2 कटोरी मैंने इसमें पानी डाला था और पानी डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। और अभी मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा सा बेसन ना मैं पकौड़ी के लिए घोल के अलग रख देती हूँ, क्योंकि इतना अगर बेसन थोड़ी देर घोल के रख दो अच्छे से तो उसको पता थोड़ा रेस्ट करने के लिए छोड़ दो ना, तो पकौड़ियाँ अच्छी बनती हैं। तो बस इसलिए मैं इसको घोल देती हूँ कटोरी में। पकौड़ियों के लिए बेसन है ये रख दिया अलग घोल के, और अब मैं कढ़ी चौंकती हूँ। तो कढ़ी चौंकने के लिए मैंने थोड़े से मेथी के दाने लिए, थोड़े से मैंने चावल लिए हैं और कड़ी पत्ता डाला है और हमने ये लगाया इसमें तड़का। और बस इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे टमाटर और अदरक। टमाटर और अदरक का जो टेस्ट होता है ना, मतलब अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है कढ़ी में। और तो बस हमने ये डाल दिया, उसके बाद में इसमें नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था उसमें जो हमने घोल बना के रखा हुआ है। तो इसमें बस मैं मिर्च डालूँगी, लाल मिर्च, और डालूँगी धनिया। बस ये डाल के इस मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे और जैसे ये भून जाएगा फिर हमने जो कढ़ी का घोल बना के रखा हुआ है ना, हम वो घोल इसमें डाल देंगे। और उस घोल को डालने के बाद में क्या होता है कि जब तक हमारा मतलब कढ़ी अच्छे से एक उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमें ना कढ़ी को कंटिन्यू चलाते रहना पड़ता है, वरना तो कढ़ी अगर हम छोड़ देंगे ना उसको तो कढ़ी फट जाती है। तो अभी मैंने जैसे ये डाल दिया सारा जो मैंने घोल घोल के रखा था कढ़ी का, तो अब मैं इसको ना कंटिन्यू चलाती रहूँगी जब तक कि ये इसमें एक उबाल नहीं आ जाएगा। और जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो बस फिर तो गैस को सिम कर दो और बनती रहेगी। और इधर मैंने क्या करा है, तो आपको पता है कि मैंने जो बेसन तो मैंने पकौड़ी के लिए पहले घोल के रख दिया था, तो बस अब उससे मैंने इस गैस पे पकौड़ी भी तल दिए हैं और कढ़ी भी हमारी ऑलमोस्ट बनी चुकी है। तो बस अब मैं क्या करूँगी, पकौड़े निकाल के ना सीधे इस कढ़ाई में डाल दूँगी और बस 5-1 मिनट बाद मैं ये वाली गैस भी बंद कर दूँगी, क्योंकि कढ़ी मेरी बन चुकी है। और कढ़ी मैंने इधर रख दी अपनी और मैं इस गैस पे, मैं कुकर में चावल बना रही हूँ, बस एक सीटी में चावल बन जाएंगे। तो बस कढ़ी चावल ही बनना है आज, और तो कुछ बना नहीं है। बाकी जो मीठा है तो मीठे का ये कुछ लेके आएंगे, वो देखा जाएगा क्या लेके आते हैं। बहुत अच्छे होंगे। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोग कान्हा जी की छठी मनाने वाले हैं, तो इसलिए ये मंदिर डेकोरेट कर रखा है। ये टी और कबीर नहीं किया है मैंने, इसमें आज कुछ भी नहीं किया है। और मैंने कढ़ी चावल मैं बना चुकी हूँ, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और अब हम क्या करने वाले हैं, शाम हो गई क्योंकि छठी की जो पूजा होती है ना वो शाम के टाइम ही होती है। तो अभी ये भी आ गए ऑफिस से, हम सब लोग रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं ये सब इधर बैठे हुए हैं। और अभी हम लोग कान्हा जी को स्नान कराएंगे और स्नान कराने के बाद में उनको भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से करते हैं।
सो गाइस हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि जैसे हम ना छोटे बच्चों की मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है, मालिश करते हैं ना, तो हम तो फर्स्ट टाइम पे जब भी मालिश करते हैं तो देसी घी से करते हैं, तो कुछ इस तरह से हम कान्हा जी के लिए भी देसी घी लेके पहले इनकी अच्छे से पूरी बॉडी पे ऐसे मसाज कर देंगे, मालिश टाइप की कर देंगे, और इसके बाद में उसके फिर हमको दूध से नहलाएंगे। हाँ जी, आज का जो स्नान होता है ना वो बहुत स्पेशल होता है, वो आपने सुना होगा कहावत कहते हैं ना कि छठी का दूध, तो जी वो चीज़ आज की ही है, क्योंकि छठी वाले दिन इस दूध से स्नान करें। दूध हमें इस टाइप से लेना है बर्तन में कि कान्हा जी को हमें ना इसमें डुबकी लगानी होती है तीन, तो एक और ये हो गई दो और एक और ये हो गई तीन, तो हमने इस तरह से इनको तीन डुबकियाँ इसमें लगा दी हैं, और इसके बाद में फिर इनको दूसरे बर्तन में रख के उसके बाद में फिर इनको ना थोड़े पानी से नहलाना है। तो पानी अगर गर्म होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो बिल्कुल ठंडा पानी से नहीं नहलाना है, हल्का सा पानी को गुनगुना कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यहाँ हम सब मिलके कान्हा जी को नहला रहे हैं, तो बस कान्हा जी को नहला देंगे अच्छी तरीके से, और इसके बाद में फिर इनको अपना एक टॉवल पे रख के इनको सारा से अच्छे से पोंछ देंगे, और उसके बाद में नया, आज के दिन ना नया कपड़ा पहनाया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बच्चे भी जैसे जब बच्चा होता है तो उसके बाद में उसको छठी में नया कपड़ा पहनाते हैं, तो हाँ जी कान्हा जी को भी हम नया कपड़ा पहनाएंगे। अगर कपड़ा अगर पीले रंग का है तो बहुत ही अच्छा, अगर पीले रंग का नहीं है तो किसी और भी कलर का पहना सकते हैं, ऐसा कुछ इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन बस यह कि कपड़ा नया होना चाहिए। तो यह है कान्हा जी का ब्लूमर जो मैं उनको पहना रही हूँ। एक्चुअली ना ब्लूमर येलो कलर का भी था, बट वो मैंने वो धोया था ना तो वो थोड़ा गीला था, इस वजह से वो नहीं पहना पाया, और ये है येलो कलर का उनका ड्रेस जो मैं कान्हा जी के लिए लेके आई। तो देखिए आप, हमने कान्हा जी को ये येलो कलर की जो पोशाक है ये पहना दी, और कितने प्यारे, कितने क्यूट, इतने सुंदर लग रहे हैं, मैं बता नहीं सकती, आप लोग खुद ही देख सकते हैं। और ये मैं उनके लिए कड़ी लेके आई थी, और ये माला पहना दी है, और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये कड़ी, तो बस कड़ी भी पहना देंगे। और मैं इनके लिए कानों के लिए टॉप्स लेके आई थी, तो ये वाले टॉप्स है जो मैं लाई थी कान्हा जी के लिए, हमने ये टॉप्स भी कान्हा जी को पहना दिए, और आप देख लीजिए कितने प्यारे लग रहे हैं, मतलब अलग ही कहते हैं ना एक चेहरे पे एक तेज़ होता है वो चीज़ नज़र आ रही है, और बहुत प्यारे लग रहे हैं। और इसके बाद में बस और देखिए कान्हा जी तैयार हो गए हैं, और आपको पता होगा कि छठी वाले दिन में काजल लगाना तो बहुत ही ज़रूरी होता है, तो ये काजल भी घर का ही बना हुआ है। पूजा तो हमारी हो गई है, जो भी हमें करना था भगवान जी के सब कुछ हो चुका है, और बस अभी क्या बचा है भाग, अभी हमें लगाना है भोग। तो भोग के लिए मैं जा रही हूँ किचन में लेने के लिए कढ़ी चावल, और उसके बाद हम कढ़ी चावल का भोग लगाएंगे। हमारा पूजा हो चुकी है, और कान्हा जी को भोग भी लगा दिया है, और भोग लगाने के बाद में हम लोगों ने जो भोग का जो प्रसाद था वो भी हमने खा लिया है। और पता है हमारा जो घर है ना, हमारे घर के जो बराबर में गली है ना, वहाँ पे ना मतलब प्रोग्राम रखा हुआ है, जिस सब लोगों ने मिलके किशन जी की छठी का कुछ प्रोग्राम है जो रखा है ना, उन लोगों ने वहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रखा है, डांस वगैरह का ये सब चीज़ें, तो ये सारे लोग तीनों लोग वहाँ गए हुए हैं, तो मैंने कहा तुम लोग चले जाओ और मैं इतने बाकी जो जो घर का काम है मैं सारा वो काम कर लेती हूँ इतने, तो वो तो वहाँ पे गए हुए हैं, उनको तो आने में भी टाइम लगेगा थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सा बच्चे बोल रहे थे कि पापा हमें थोड़ा घुमा भी लाना होगा, तो वो तीनों तो गए हुए, और मैं अपने घर का सारा काम कर लेती हूँ। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।